बीकानेर में जमीन का धंसना, बाड़मेर में जमीन में दरार पड़ना, तो वहीं झुंझुनू में मिट्टी के बुलबुले उठना। ये तस्वीरें भले ही कुछ लोगों के लिए कौतूहल का विषय हों, मगर कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय भी हैं। बीकानेर में जहां जमीन धंसी, उसकी वजह बताई गई पानी का दोहन। बाड़मेर में जहां जमीन में दरारें पड़ी, उसकी वजह बताई जा रही है पास का गैस प्लांट। और झुंझुनू में मिट्टी के बुलबुले को लेकर अभी जांच हो रही है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ गैस या पानी की पाइपलाइन होने की वजह से ये घटना घटित हो रही है। आखिर सच क्या है, इसका फैसला तो जीएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा, लेकिन इन घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत जरूर है। फिलहाल इन तीनों ही घटनाओं को लेकर भू वैज्ञानिक और टीमें जांच में जुटी हुई हैं। वहीं लोगों में किंवदंतियों और अफवाहों का दौर भी जारी है। कोई इसे एलियन से जोड़कर देख रहा है, तो कोई भगवान विष्णु और बजरंग बली से जोड़कर। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो इतिहास जो किंवदंतियों का तो कतई नहीं है। आज का भारत करोड़ों साल पहले साउथ अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। जिस तरह आज पूर्वी अफ्रीका में सोमालियाई टेक्टोनिक प्लेट न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट से पूर्व दिशा की तरफ खिसती चली जा रही है, उसी तरह करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उसी से लाखों सालों में हिमालय और अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। यानी जहां आज आप अथाह रेत या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, वहां कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। लेकिन भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस भौगोलिक बदलाव के चलते जहां कभी समुद्र थे, वहां अब रेत के मैदान बन गए। लेकिन इन रेत के मैदान के नीचे न केवल जल का समुद्र है, बल्कि यहां लाखों सालों से जमीन में दफन चीजों ने गैस और तेल का रूप ले लिया, खुद के समुद्र बन चुके हैं। और बाड़मेर में पिछले 15 सालों से इसका दोहन हो रहा है। बीकानेर में जहां जमीन धसी है, उसे लेकर भू वैज्ञानिकों ने माना है कि जल का दोहन और उसकी भरपाई नहीं होने से वहां जमीन धस गई। वैसे ही अगर कहा जाए कि बाड़मेर में भी सालों से हो रहे गैस के दोहन के चलते जमीन में दरारें पड़ रही हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये घटना सिर्फ यहीं खत्म हो जाएगी या फिर कहीं ये शुरुआत तो नहीं, क्योंकि आपको बता दें आज भी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में लगातार मूवमेंट हो रहा है, जिसका असर भारत के ऊपरी राज्यों नेपाल और तिब्बत में भूकंप के जरिए देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे लाखों सालों में इन सब का निर्माण हुआ, वैसे ही आने वाले सालों में ये जिस तरह से मूवमेंट कर रही हैं, उससे इनके मिटने की भी संभावना है। आपको जोशीमठ वाली घटना तो याद ही होगी, किस तरह जोशीमठ को भू श्रृंखलन और भू धसाव से प्रभावित जोन घोषित किया गया था। आपको बता दें, जमीन का धसना, जिसे एक तरह से डूबना भी कहा जाता है, जो कि पंपिंग, फ्रैंकिंग और खदान गतिविधियों के जरिए पानी, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संसाधनों को निकालना होता है। यूएसजीएस की रिपोर्ट बताती है कि जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकालने की वजह से कुछ एक्वीफर में मिट्टी का भराव हो जाता है और भू धसाव की यह सबसे आम वजह बनती है। इन एक्वीफर सिस्टम से बहुत ज्यादा मात्रा में पंपिंग करके पानी निकालने की वजह से जमीन का धसकना स्थायी हो जाता है। जब इन जल स्रोतों से बड़ी मात्रा में पानी निकाला जाता है, तो इससे मिट्टी सघन होती है, जिससे मिट्टी के वो छिद्र बंद हो जाते हैं जो पहले पानी को अपने अंदर रोक रखते थे। नतीजतन एक्वीफर सिस्टम स्थायी तौर पर घटना शुरू हो जाते हैं और इसकी कुल क्षमता कम होने लगती है।